फाइनली भाई लोग यार अपनी जो कार है भाई वो रेडी हो गई है एंड मैं अभी उसी को ड्राइव कर रहा हूँ। अभी टेस्ट टेस्ट तो हो गया, बट इसमें अभी जो रिम है ना वो थोड़ा टेढ़ा सा दिखा था मेरे को, वो स्टार्टिंग बता दिया था हम लोगों, तो बस मैं उसको एक बार चेक करवाने आ रहा हूँ। एंड एक चीज़ और मैंने नोटिस किया है कि मुझे ऐसा लग रहा है इस गाड़ी का डीजल कम है, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम जब इसको चलाया था डीजल टैंक जो था अपनी कार का वो मोर देन हाफ था शायद, जैसे आप देख रहे हो ना मोर देन हाफ था। मैं आपको क्लियर करके दिखा देता हूँ एक बार, ठीक है मोर देन हाफ था, बट आई डोंट नो अभी कम क्यों हो गया, तो चेक करना पड़ेगा मेरे को। जो पहले व्लॉग बनाया था ना मैं उसको अभी बैठे खुद देखने वाला हूँ कि भाई हाँ भाई बताओ यार कितना था पेट्रोल, वो सॉरी डीजल, तो वो चल के अभी चेक करेंगे अपन लोग। एंड अभी दूसरे वाले शोरूम जा रहे हैं अपन लोग जस्ट बिकॉज ऑफ कि मेरे को इसका जो भैया ये देखना है भाई जो अपनी गाड़ी में भी जो मुड़ गया ना रिम उसमें ज़्यादा खर्चा ना आ जाए, क्योंकि भाई वो क्लेम पे नहीं हो रहा था। ठीक चलो चल के देखते हैं, होपफुली भाई और खर्चा ना पड़े गाड़ी में, अब यही देख। तो भाई ये लड़के मुझे बिना बताए चॉकलेट आइसक्रीम खा रहे थे, वो मेरे आने पे मैंने इसको बोला कि मुझे चाहिए कुछ, भूल गया मेरे को, और तो बोल क्या बोला तूने मेरे को, क्या बोला था भूलियो, तेरे चक्कर में घर से अपनी कार लेकर आया इसलिए कि ताकि तू यहाँ पे स्कूटी खड़ी करवा ले, ठीक है, और यहाँ पर आके मेरे को देख भी रहा है कार सामने आके बोल रहा है कि भाई ले लो खुद से, तुम्हें देनी चाहिए, और देख अकेले अकेले मुझसे पहले खा गए, शर्म नहीं आई तुम लोगों को, अरे बेशरम लोग हैं। और तुम क्यों नहीं आए घर पे, तुम्हें मैंने अपने घर बुलाया ना, इसके पास क्यों आते हो, मेरे बुलाने पे आइसक्रीम मिल गई। अब इसी कहने पे ना ओए विष्णु, अब तेरे कहने पे चलता है ना ये, ठीक है अब इससे सारे पैसे ले, तू चलेगा पिछली सीट में पूरा फैल के, इसको यहीं छोड़, बेस्ट आइडिया यार, यार मेरे को जाना तो जहाँ पे वहाँ के लिए ये गाड़ी मस्त ले चले, लद्दाख जाने के लिए गाड़ी सही है ले लेते हैं। चलो भाई यार खाते पीते हैं यार बैठ के थोड़ी देर में, इसके बाद निकलते हैं, आज बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है अपन लोगों को, बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब बता कितना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि 7 लोगों का पेट अकेले भरने के लिए, अभी पैसा मैं ही लगा रहा हूँ, मेरे अकाउंट के लग रहे हैं पैसे, अभी तुम लोगों ने नहीं दिए, इन लोगों ने सिर्फ 5,000 दिए हैं, अभी पैसा मैं खर्च रहा हूँ पूरा। अब कितने की आइसक्रीम है, 10 रुपए की आइसक्रीम खिला गए थे, कैसे मुझे ताव दे रहे हैं, अरे जा रे मेरी गाड़ी आज रात को बन जानी थी, ध्यान रखना इस बात का, ये अच्छे से काम नहीं करता बॉय, जिसके यहाँ काम मत करवाना कभी। अरे भैया टाइट पड़ता है, इसके यहाँ गाड़ी मत ठीक करो, मैं ठीक कर दूंगा, बढ़िया ठीक करूंगा, वो गाड़ी एक दिन के लिए छोड़नी पड़ेगी, नहीं 20 दिन के लिए गाड़ी छोड़नी पड़ेगी, पूरी गाड़ी ओके वॉक कर दूंगा बिल्कुल। मैंने ही प्लान, देखो प्लान इन्होंने मैंने किया और मेरे को बोल रहा है। तो भाई अब अपन लोग निकल रहे हैं, मेरे साथ हिमांशु भाई बैठा हुआ है, एंड एक्चुअली में देखो जब सबको तो पता चली गया होगा हम लोग किस लिए क्या कर रहे हैं, तो अभी सब लोगों का जो खाने पीने का सामान है जो कि हम लोगों को रास्ते में जरूरत पड़ने वाली है ना, तो वो सब चल के अभी अपन लोग कलेक्ट कर लेते हैं, एंड आई डोंट नो कितना टाइम लगेगा, अभी रास्ते में हमारे को एक और दोस्त मिलेगा, क्योंकि भाई देखो जो सामान लेना है उसको उठा के लाना पड़ेगा, कार तक तो लाना पड़ेगा, तो वो लाने के लिए हमें दोस्त की जरूरत पड़ेगी, तो चल रहे भाई लाल बंगला, वहाँ सारा सामान उठाते हैं भाई, अच्छा खासा सामान हो गया, एंड क्या बताऊँ भाई लोग अभी से एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, और जो कैमरा भी ऑन चला रहा है ना भाई ये भी चल रहा है अपना दोस्त हिमांशु भाई, देख ही चुके हो गए इसको, देख कर क्या ही करोगे यार तुम लोग इसको, हम लोग चलते हैं भाई जल्दी जल्दी सामान उठाते हैं, और देखना कितना खर्चा, कम से कम भाई ऑक्सीजन ये सब कुछ खर्चा हम लोगों का अभी 15-20 हज़ार तक का बैठेगा, अभी बाइक्स के लिए भी हम लोगों को थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पार्ट्स लेना पड़ेगा, जैसे मुझे अपने लिए क्लच प्लेट तक सच चाहिए होंगे कि अगर जरूरत पड़ गई चेंज करना पड़ेगा, इंजन ऑयल मैं ले रहा हूँ, तो अभी ये सब चीज़ें चल के ले लेते हैं कि रास्ते में हमें कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। बॉयज ये चेकआउट करो यार, इतना सारा सामान, और ये वीडियो बना लिया एक बार, मैं तो उठा नहीं चाहता भाई लोग कसम से, अगर मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ ना तो एक्चुअली बहुत वेटेड है, अभी तो भाई आधा सामान दूसरी दुकान में, उसको भी चल के लेते हैं, चलो भाई कसरत शुरू। तो बॉयज अपन लोगों ने जितना सामान होना था भाई अपना भी इकट्ठा कर लिया, अभी गैस कैन लेने जिससे हम लोग खाना बना पाएंगे, एंड लास्ट इसके बाद हमें मेडिसिन एंड ऑक्सीजन चाहिए, वो जिंदा रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए ये भी है,
बट ये भूख से बचने का था जुगाड़। एंड जो अभी लेने आ रहे हैं वो है भाई अपने खाना बनाने के लिए और सांस लेने का जुगाड़। चलते हैं भाई, यहाँ पे मैंने एक बार गैस कैन लिया था ना, मे बी यहाँ मिल जाए भाई। एंड आई डोंट नो किस प्राइस में पड़ेगा, उम्मीद करता हूँ दुकान खुली हो भाई, क्योंकि इसीलिए यहाँ पर आया हूँ मैं। तो भाई लोग, अपन लोगों ने यार सारा कुछ सामान तो ले लिया, बट जो गैस कैन वाली बात है वो शायद से हम लोग कल करेंगे, तो अभी उसका तो कुछ कन्फर्म नहीं कह सकते। बट जो बाकी दवाई हैं वो अभी चल के मैं पिक कर लेता हूँ। कार को ओपन, हाँ भाई साहब हालत ख़राब हो गई यार बॉयज़, कसम से बोल रहा हूँ यार। क्यों भाई? मेहनत बहुत की हम लोगों ने, अब इस गिफ्ट के लिए बहुत हो गया था। कसम से बोल रहा हूँ गाइस, जो पीछे रखा हुआ ना बहुत वेटेड था यार, मुझे खुद उठाने में दिक्कत हो रही। 10-10 5-5 किलो के, कम 20 किलो का तो सिर्फ आटा और चावल हो गया अपन लोगों का। हाँ भाई मेहनत बहुत की यार, पसीना से समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। एंड क्या बोलता है, मज़ा तो आने वाली है ना, अगर इतनी मेहनत हम लोगों ने की है ना तो भाई मज़ा तो ज़रूर आएगा। पूरा व्लॉग देखिएगा, पूरी सीरीज़ देखिएगा भाई लोग, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, आप लोग बहुत कुछ एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। और हम लोग बहुत जो कुछ कर रहे हैं ना किसी ने नहीं किया, हम लोग ऐसे ऐसे करेंगे तो आप देखिएगा, मतलब बिल्कुल अनोखा। एंड मैं इस बात को कह सकता हूँ, मुझे नहीं लगता आज तक किसी ने डाला होगा इंडिया में, बहुत लोगों ने, बट मुझे नहीं लगता, मैंने नहीं अभी तक देखा जो हम लोग करने जा रहे हैं, बिल्कुल एक अनोखे लेवल का हम लोग मस्त करने वाले। अब समझ जाओ यार, हम लोग व्लॉग में ही बताएंगे, अभी अगर बता देंगे तो फिर मजा नहीं, एक्साइटमेंट खत्म हो जाएगा यार। आप लोगों देखो चैनल पे ना सब्सक्राइब कर देना, और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करो, और ये पूरा सीरीज देखना ठीक है। लद्दाख ट्रिप वाला तो अब बस 4-5 दिन की बात और है, अभी गाड़ी भी आज शाम तक, अभी रात को रेडी होगी, अभी विष्णु भाई आएगा अपना, वो चल भी रहा है, और हमको उसको ले जाने का एक और रीजन ये है ना कि जो बाइक्स है कार है तो कुछ इश्यू आएगा तो संभाल लेगा, है ना। देखो हम लोग इतने अच्छे मैकेनिक नहीं है, ठीक है, ठीक ठाक काम कर रहे थे, मुझे डीजल गाड़ियों का पता है, वो भी ट्रेन के इंजन का पता है, इनका नहीं पता, तो वो विष्णु भाई संभाल सकता है। एंड बाइक्स के मामले में तो वही भाई अपना जादूगर सब कुछ है, तो वही सब कुछ संभाल लेगा अपना। एंड अब देखते हैं भाई बाकी आज क्या अपन लोग करते हैं, अभी चल के दवाई लेते हैं, एंड फिर थोड़ी देर विष्णु की दुकान में बैठ के थोड़ा टाइम पास करते हैं। ऐसा लग रहा है कार में बैठे रहो ना, एसी वाली फील बड़ी अच्छी लग रही है यार, कसम से बोल रहा भाई, इतनी मेहनत की ना भाई, गर्मी हो रही है तो सोचो यार, अभी हम लोग दिन दिन भर चलेंगे, कितनी मेहनत होगी बॉयस। बस आप लोगों को सपोर्ट और प्यार चाहिए, अगर वो नहीं मिलोगे तो गलत बात है, क्यों भाई? बिल्कुल भाई, सपोर्ट तो बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं तो सिर्फ आपके लिए यार, थोड़ा सपोर्ट करो यार प्लीज, अपने दोस्तों सबको शेयर करो, फैमिली को सबको, मस्ती खूब करेंगे यार, मतलब आपको ही मन करेगा जाने का, क्यों? बिल्कुल, नेक्स्ट टाइम कभी हम लोग ट्रिप रखेंगे ना तो ऐसा बोलेंगे जिस जिसको आना साथ में सब लोग चलेंगे, ठीक है। चलो अब चलते हैं यार, लेट हो गए, थोड़ी देर रेस्ट करते, 2-3 मिनट और रुकेंगे इस बार निकल जाते, ठीक है। तो बॉयज लोग, अभी अपन लोगों ने दिखाई हूँ इतनी सारी दवाइयाँ ली हैं कि रास्ते में कोई बीमार ना पड़े, किसी की हालत ना खराब हो, और हम लोग ये कुछ गलत काम करने के लिए लेके जा रहे हैं भाई। इसमें पुदीन हरा है, सर दर्द की दवाई है, पेन किलर, वो सब ये लेकर आएगा, बुखार जुकाम हाजमा ढीला होने का और ताकत कम होने का, तो ये सारी दवाइयाँ ले रखी हैं कि भाई कोई दिक्कत ना आए ऊपर जाके हम लोगों को, क्योंकि हम नहीं चाहते कि भाई किसी को मेडिकल इशू होने की वजह से किसी को रुकना पड़े, और किसी को मेडिकल इशू ना ही हो तो अच्छा है। हम लोगों ने दुकान वाले भैया से बोल दिया अगर यूज़ नहीं हो तो वापस नहीं, उन्होंने बोल दिया हाँ, तो मतलब अपने आसपास के लोगों से तो यही फायदा होता है, क्यों? सपोर्ट पूरा मिलता है भाई हम लोगों को। तो चलो भाई दवाइयाँ आज हो गई, अब जो गैस कैन ऑक्सीजन कैन है वो सब तो भाई हमको बाहर मिलेगा, अब चलते हैं विष्णु दुकान में, वहाँ बैठे थोड़ी देर के लिए, एंड फिर वहाँ पर टाइम पास करें थोड़ी देर। कौन है बड़बड़ा रहा है यार? यार इससे तो हम लोग हैं, अपनी सुपरवाइजर निकाले तो प्यार से तो निकालते हैं, लेकिन अब जब अगर आवाज़ भी करती तो बहुत प्यारी आवाज़ करती है, बस ये फायदा अपन लोगों को, क्यों? चलो अब चलते हैं विष्णु दुकान है, अब उसको दिमाग खाते हैं चल के, और उसको परेशान करते हैं कि चल मेरे घर, मुझे KTM बनवानी है या बना पाएगा, मुझे तो नहीं लगता बनेगी आज गाड़ी, वो बस नहीं बन पाएगी भाई, उसको टायर खोलने के लिए वो पैडॉक चाहिए होगा, वो सब गाड़ी लगाना मुझे नहीं लग रहा हो पाएगा, तो पैडॉक वहाँ तक लेके जाना पड़ेगा, नहीं तो दुकान में लेकर आओ गाड़ी, देखता अगर इसने आज नहीं किया ना इसको आज परेशान करेंगे, क्यों? बिल्कुल बहुत परेशान करेंगे, तेरे वजह से मैं नहीं जा पा रहा गधे। भाई ये देखो, ये अपनी गाड़ियां सारी यहीं छोड़ कर गया, दुकान खुली छोड़ कर गया, मैं आके सोच रहा हूँ इसको परेशान करूंगी, है ही नहीं दुकान में, गायब हो गए दुकान से, अब अगर मैं चाहूँ तो इसकी दुकान से कोई भी गाड़ी उठाऊँ और लेके गायब हो जाऊँ, क्यों? बिल्कुल, अरे गाड़ी भी नहीं, चलो गाड़ी तो पास चल जाएगी, थोड़ा हालत खराब हो रहा है, गाड़ी चला रही काफी देर से, मतलब गाड़ी तो नहीं गायब कर पाएंगे लेकिन सामान अगर गायब करूँ तो कुछ पता नहीं चलेगा। और मुझे यहाँ पे KTM में काफ़ी 390 की मेरी बॉडी की न्यू बॉडी आई हुई, तो सोच रहा हूँ वो निकाल ले जाओ, मुझे काम आ जाएगा, क्यों? एक और नया लुक 390 125 कन्वर्टर टू 390, ये भी जो 125 ही है बट 390 कन्वर्ट हो रही है, वो पीछे लास्ट में अगर दिख रही होगी। और ये बाइक तो अपनी यूसंग है भाई, ये पूरी तैयार हो चुकी है यार, लग गई है भाई यहाँ पे बाइक अपनी, ये तो बोला था पेंट हो गई है, लवी भैया देखो काम नहीं करता अभी गाड़ी का, मुझे भी अभी तक बेवकूफ़ बना रहा था, अब इसको परेशान करेंगे कुछ जितना कर पाए उस साइड का। चलो
फिट कर रहा है अभी।